कल मैंने कहा था कि दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो आ चुके हैं और दिल्ली की जनता अब बातचीत करना चाहती है। दिल्ली की जनता प्रश्न पूछना चाहती है दोनों पार्टियों के सीएम कैंडिडेट से। तो भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करे ताकि दोनों पार्टी के नेताओं के बीच में बहस हो सके। मैं बहस करने के लिए तैयार हूँ, हर मुद्दे पे बहस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया। इससे साफ जाहिर है कि वो जनता के सामने अपना चेहरा नहीं लाना चाहते या उनके पास कोई चेहरा ही नहीं है दिल्ली के सीएम के लिए। ये बड़े दुख की बात है। जनतंत्र के अंदर जनता का अधिकार होता है ये तय करने का कि कौन सीएम बनेगा और कौन सीएम नहीं बनेगा। जैसे मैं हर जगह जहां भी जा रहा हूं मैं कहता हूं, भाई आपका एक एक वोट सीधे मेरे पास आएगा। दिल्ली की जनता जो भी वोट दे रही है वो कैंडिडेट को वोट नहीं दे रही है, वो अरविंद केजरीवाल को सीएम बनाने के लिए वोट दे रही है, कैंडिडेट बीच में जो भी हो। लेकिन दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि बीजेपी को जो वोट दे रही है वो किसके पास जाएगा। तो अगर वो सीएम कैंडिडेट नहीं बना रहे हैं तो इसका मतलब वो वोट गड्ढे में जाएगा, वो वोट किसी को नहीं पता कहाँ जाएगा, वो वोट बेकार हो जाएगा। बीजेपी को पड़ा हुआ एक एक वोट बेकार हो जाएगा, किसी को पता नहीं किसके पास जाएगा। अमित शाह जी का ये कहना है कि वोट मेरे को दो और मैं सीएम बनाऊंगा, मैं डिसाइड करूंगा कौन सीएम बनेगा। तो आपने अगर किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे को बना दिया सीएम, जिसको कोई पता नहीं हो, किसी अनपढ़ आदमी को सीएम बना दिया, तो दिल्ली की जनता के साथ तो धोखा हो जाएगा। ऐसे कैसे आपको ब्लैंक चेक लिख के दे दे दिल्ली की जनता? दिल्ली की जनता कोई बेवकूफ थोड़ी है। पर फिर भी चूंकि अमित शाह जी कह रहे हैं कि मैं सीएम बनाऊंगा मेरे को वोट दो, मैं अमित शाह जी को आमंत्रित करता हूं डिबेट करने के लिए। अमित शाह जी आए डिबेट करें, जहां कहेंगे जब कहेंगे मैं उनके साथ हर मुद्दे के ऊपर डिबेट करने को तैयार हूं। दिल्ली की जनता के सारे और हर चीज पे डिबेट होगा, जो वो कहेंगे उसके ऊपर डिबेट होगा। अमित शाह जी आके बताएं, दिल्ली की जनता के पास बहुत सारे सवाल हैं। दिल्ली की जनता जानना चाहती है, आप कह रहे हो कि हमने 370 किया, हमने राम मंदिर किया, इसलिए हमको वोट दो। उसके लिए तो आपको वोट दे दिया केंद्र सरकार के अंदर। अब दिल्ली के लिए आपने क्या किया ये बताओ ना। 5 साल में, पिछले 5 साल में दिल्ली के लिए आप लोगों ने क्या किया ये बताओ कि आपको दिल्ली के चुनाव में वोट क्यों दे। दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं कि आप लोगों को फ्री सुविधाएं देने के खिलाफ क्यों हो, आप लोगों को फ्री सुविधाएं देने की खिलाफत क्यों कर रहे हो और आप इनको बंद क्यों करना चाहते हो। दिल्ली के लोग ये जानना चाहते हैं। दिल्ली के लोग देश के गृहमंत्री से ये जानना चाहते हैं कि आप शाहीन बाग की वो सड़क क्यों नहीं खुलवा रहे, आप उसके ऊपर गंदी राजनीति क्यों कर रहे हो। दिल्ली को लोग ये जानना चाहते हैं कि सारा देश देख रहा है, सारी दिल्ली देख रही है कि आपने केवल और केवल दिल्ली की सत्ता हथियाने के लिए वहां पे रह रहे लोगों का जीना हराम किया हुआ है। आप जानबूझ के वो सड़क नहीं खुलवा रहे क्योंकि आपको दिल्ली की सत्ता को हथियाना है। दिल्ली के लोग ये जानना चाहते हैं कि मेरे जैसे छोटे से आदमी को हराने के लिए आपने इतने सारे धुरंधर, इतनी सारी पार्टियां इकट्ठी क्यों कर ली, 200 एमपी, 10 मुख्यमंत्री और क्या 70 मंत्री, इतने सारे लोग आप लोगों ने क्यों इकट्ठे कर लिए एक छोटे से आदमी को हराने के लिए। दिल्ली के लोग ये जानना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि दिल्ली का ये बेटा आतंकवादी कैसे है। आपके यहां से वो प्रकाश जावड़ेकर जी कह रहे हैं हमारे पास सबूत है, सबूत है तो जनता के सामने सबूत रखिए आतंकवादियों ने। दिल्ली की जनता यह जानना चाहती है कि नगर निगम के अंदर आपने 15 साल में क्या काम किया, आपने दिल्ली को कूड़ा कूड़ा क्यों बनाया, दिल्ली के अंदर चारों तरफ कूड़े के ढेर आपने क्यों लगाए। क्या भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली का कूड़ा साफ नहीं होता? दिल्ली के लोग यह जानना चाहते हैं कि आपने नगर निगम के स्कूलों का क्या किया, आपने नगर निगम के अस्पतालों का क्या किया। हम लोगों ने 5 साल के अंदर दिल्ली के स्कूल अस्पताल ठीक कर दिए,
आपने अपने पूरे कैरियर में पूरे देश में कितने स्कूल ठीक करे, कितने अस्पताल ठीक करे, दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है। और दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि चलिए आप एक कैंडिडेट मत बताइए, लाइकली कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं सीएम के? विजय गोयल जी टक्कर में हैं, मनोज तिवारी टक्कर में हैं, हरदीप पुरी, हर्षवर्धन साहब, स्मृति ईरानी, कौन बन सकता है? जनता मतलब कौन से चेहरे अपने सामने रखे जब वो वोट देने के लिए जाए? तो दिल्ली की जनता के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। दिल्ली की जनता ये सारे प्रश्न जानना चाहती है। खुले मैदान के अंदर डिबेट हो, एक एंकर आपका, एक एंकर हमारा, और सामने दिल्ली की जनता, खुले मन से डिबेट होना चाहिए। बहस अच्छी चीज़ होती है जनतंत्र के अंदर, खुली बहस हो तो अच्छा है। और अब ये मत कहिए कि हमारा तो कोई कार्यकर्ता केजरीवाल के साथ डिबेट करने को तैयार है, ये तो एक तरह से मैदान छोड़ के भागने वाली बात है। और आइए डिबेट करते हैं, अच्छी बात है। आप कहते हो मेरे को वोट दो और मैं सीएम बनाऊंगा, तो फिर आके बहस भी कीजिए। मैं अमित शाह जी को खुले मन से ईमानदारी के साथ जनतंत्र को मजबूत करने के लिए, दिल्ली के लोगों के बीच में बहस करने के लिए आमंत्रित करता हूँ।